खुद कुमार आप न्यूज फाउंडेशन पर बिहार की सियासत में राजनीति जिस झंझावात से गुजर रही है इन दिनों उससे कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें फिर से सामने आ रही हैं। ऐसे में इन तमाम खबरों के बीच में बिहार की राजनीति के जो चूल्हे पर जो तवा चढ़ी है उस पर जो रोटी है वो कब किस करवट पलट दी जाए ये किसी को मालूम नहीं है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार ने अपने बेहद खास और पुराने साथी सुशील मोदी को फोन करके मिलने बुलाया। क्या नीतीश कुमार ने नंदकिशोर यादव को भी मिलने के लिए बुलाया था? क्या है ये पूरी खबर जिसका खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने किस तरीके से नीतीश कुमार के डबल स्टैंडर्ड को सबके सामने रखा है इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से बताएं। तारीख 14 शाम के 6:03 और फोन पर मुझे और सुशील मोदी को अगले दिन यानी कि 15 को 10 बातचीत के लिए बुलाया। हम दोनों तैयार थे लेकिन 15 की सुबह जब हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका एक इंटरव्यू देखा तब हमें अपने फैसले पर फिर से सोचना पड़ा। एक तरफ बातचीत का बुलावा और दूसरी तरफ बातचीत से पहले ही मीडिया के जरिए अपना पक्ष सार्वजनिक किया जाना, क्या यही दोस्ती का तकाजा था? मंशा यह थी कि हम सब बातचीत के लिए पहुंचते तब हमसे कहा जाता कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में अभी बताइए नहीं तो हम यानी कि जदयू अलग हो जाएंगे। क्या यह ठीक है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से यही कहा कि सम्मानजनक ढंग से अलग होने का रास्ता निकालने के लिए आप हमें बातचीत के लिए बुलाना चाहते हैं। तब तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे कि NDA बरकरार है। सेवा यात्रा से पटना लौटने पर 14 जून को आपने पत्रकारों से कहा कि आगे की राह कठिन है लेकिन पार्टी के विधायकों पदाधिकारियों से बात कर नीति तय की जाएगी। आपने उसी दिन शाम को फोन कर हमें बातचीत के लिए आने को कहा। मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग होनी थी लेकिन इंटरव्यू देकर के बातचीत के रास्ते को भी आपने ही बंद कर दिया। जब 16 तारीख को आपने अलग होने का फैसला लिया तो सम्मानजनक अलगाव की प्रक्रिया पर 15 तारीख को बातचीत कैसे हो सकती थी? सीधा मतलब है कि आप अलग होने का मन पहले ही बना चुके थे और बाकी सब बातें सिर्फ दिखावा थी। बीजेपी के इस बड़े नेता ने नीतीश कुमार की आगे पोल खोलते हुए कहा कि आपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के नाटक किया या आरोप भी लगा दिया कि सहयोगी दलों के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। दोनों ही बातें कटुता बढ़ाकर गठबंधन तोड़ने की नीयत जाहिर करने वाली थी। मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाने की चिट्ठी एक दिन पहले रात के 11 मिलती है या उसे दिन सुबह किसी को बैठक की सूचना भी नहीं मिली, ऐसा कहीं होता है क्या? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक गतिरोध के कारण भाजपा कोटे के मंत्रियों के काम बंद करने की जानकारी मीडिया से मिली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मंत्रियों के कामकाज का आकलन विभागीय सचिवों के से बातचीत के जरिए करने की बजाय वो मीडिया की चटपटी खबरों के आधार पर कब से करने लगे थे? मंत्री के नाते मैंने अगर शनिवार तक फाइलें निपटाई हैं, काम किया है, तो रविवार को मैं फाइल ना निपटाने के आधार पर बर्खास्त कैसे किया जा सकता हूं? इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने अगर विभागीय सचिवों से पूछा होता तो सब पता चल जाता, लेकिन वहां तो सच जानने की इच्छा ही नहीं थी। गलत बहाना बनाया गया, मंत्रियों को बर्खास्त करने का मन बना लिया गया था। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हो सकता है लेकिन गठबंधन की भावना के अनुरूप आचरण नहीं था। जदयू के पास जब अकेले बहुमत का जुगाड़ हो गया तब अलग होना स्वाभाविक था। हमारे सभी मंत्रियों के इस्तीफे टाइप होकर तैयार थे। यह खबर अखबारों में आई लेकिन आपने शायद यह नहीं पढ़ा। हमने तय किया था कि आप जिस दिन गठबंधन से अलग होने का फैसला करेंगे उसी दिन इस्तीफे सौंप दिए जाएंगे। हम हर हाल में गठबंधन को बनाए रखना चाहते थे, बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस्तीफा देने में संयम से काम ले रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने फोन पर मुझसे बात की थी, सुशील मोदी से लगातार संपर्क में थे लेकिन एक बार भी इस्तीफा देने को नहीं कहा, हमें सीधे बर्खास्त किया गया, क्या यह उचित था? ये पूरी कहानी नंदकिशोर यादव पर लिखी गई किताब जो है बुलंद आवाज की है। नंदकिशोर यादव बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं जो कि फिलहाल साइलेंट मोड पर हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब 15 बनी तो उस वक्त नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में और बीजेपी नंबर 3 की पार्टी बन गई। उसके बाद 17 नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी तो फिर से बिहार में वही सरकार रिपीट हुई। लेकिन इसके बाद जब 2020 में चुनाव हुए तो ना सुशील मोदी जो इस कहानी में नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं
और ना ही नंदकिशोर यादव मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार की टीज इसको लेकर कई बार जाहिर होती रही। नीतीश कुमार ने कई बार सुशील मोदी को लेकर के ये तक कहा कि उनके बारे में मत कुछ कहिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, अगर हम पर बोलने से कुछ उनको मिल जाता है तो हमको अच्छा लगेगा। नीतीश कुमार आज भी नंदकिशोर यादव और सुशील मोदी जैसे सरीखे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो कि उनके साथ शुरुआती दौर से उनके साथ ही रहे, उनके लिए उनके मन में आज भी जो है दर्द उठता है। नंदकिशोर यादव पर लिखी गई किताब जो है बुलंद आवाज, जिसको राकेश प्रवीण ने लिखा है, इस किताब में कई ऐसे ही किस्से हैं जो नंदकिशोर यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के खोले हैं। इसी किताब के पन्ना जो 19 और 20 नंबर के पेज हैं, उस पर नीतीश कुमार के डबल स्टैंडर्ड को लेकर की पूरी बातें हैं। नीतीश कुमार की पूरी कहानी साल 2013 की है, जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होने से ठीक पहले जो है अपना गठबंधन NDA के साथ तोड़ लिया, जो कि सालों से साथ था। नीतीश कुमार 2005 में जब बिहार की कुर्सी पर पहली बार काबिज हुए तो उस वक्त भी NDA यानी कि बीजेपी उनके साथ थी। लगातार नीतीश कुमार ने उनके साथ ही अधिकांश समय सरकार बनाई, बीच में 15 और फिर 22 को छोड़ दें तो नीतीश कुमार हर बार बीजेपी के साथ ही चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस किताब में नीतीश कुमार के डबल स्टैंडर्ड को लेकर के जो खुलासे किए हैं नंदकिशोर यादव के हवाले से, वो अपने आप में उस किस्से को बयां करते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था कि किस तरीके से मंत्रियों को बर्खास्त करना है, किस तरीके से बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ होने के बाद उनको अपनी सरकार बिहार में फिर से बनानी है और किस तरीके से बीजेपी को बिहार में अब विपक्ष में भेजना है। सब कुछ नीतीश कुमार के लिखे गए स्क्रिप्ट का हिस्सा था और इसके लिए ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।